कजरी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। मुझे पता है गोपाल, तुम का कहवा चाहते हैं, पर अब देर रह चुकी है। मैं कछु समझो ना कजरी। गोपाल, मेरे बापू तुम्हें पसंद ना करत, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं। जा जन्म में हम दोनों का मिलवा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है कजरी, तुम जाओ, पर मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाले हो।
बापू मत से काम ले बापू अम्बे लाए बच्चों को लाए बच्चों बापू ऐसे मत बोल बापू 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 कोई माफ कर दियो छोड़ के जाए रहो ऐसे मत बोल बापू तेरे सिवा मेरा है ही कौन मैं कौन के सारे जीऊंगी बापू 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 डॉक्टर डॉक्टर मैं जिंदा हूँ। हाँ बापू अब तू बिल्कुल ठीक है। मैं बच कैसे गया हूँ? कैसे हो? ये सब इसकी वजह से संभव हुआ है। अगर इसने तुम्हें अपनी एक किडनी नहीं दी होती तो आज तुम हमारे बीच नहीं होते। तुम्हारे जैसे युवाओं ने ही हमारे इस ब्रज की संस्कृति को संभाल के रखा हुआ है। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। बापू मैं जानता हूं मैं तुम्हें पसंद ना हूं पर कोई बात ना है मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करूं। मेरे माँ बाप तो है ना मैं तो तुम्हें ही अपने माँ बाप जैसा समझूं। देखो मैं तुम्हारे काले का लेके आया हूं। तुम्हें शराब बहुत पसंद है ना? अब जिक्के पियो चौके मेरे पास एक किडनी और है। अगर फिर किडनी खराब हैगी तो फिर दे दूंगा। मेरे तो कहा समझो और तू कहा निकलो बापू आज के बाद मैं तुम्हें कब परेशान नहीं करूंगा। तुम्हें कजरी की शादी जहां करनी है वहां कर दो। बस मैं तुम्हें खुश दे के बचाऊं। कजरी आज ते हमारा तुम्हारा मिल में बंद। अब तुम्हें बापू को ख्याल रखना है। मैं चलता हूं बाबूजी। का तुम दोनों मुझे माफ ना करोगे बापू? पिता का वो बालकन ते माफी मांगत हुआ। पिता तो आज्ञा दे तो है। मैं जो आज्ञा दूंगा भाई मानोगे तुम दोनों? तुम जान मांग के देखो बापू जान तक दे दूंगो। जानता हूं कुछ रहो मेरे बच्चों मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है।
खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो, खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। लग रहा है भाभी मंदिर पे आई है। कहाँ मांगो भगवान दे, जहाँ उम्र में छोड़िया एक ही चीज मांगती, हे भगवान मोए सुंदर और सुशील वर दियो। पर तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो भगवान ने पहली दे रखो। पूजे ही करनी है तो घर में करो, बाहर निकलने की जरूरत ना है, क्योंकि मुझे पसंद ना कि गांव को कोई भी छोरा तुम्हें आंखों डाकों ही देखे, बाकी आंखें निकाल के कुत्ता ने खबा दूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने घर से निकलना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, अब तुम चाहते हो मैं मंदिर भी आना बंद कर दूं? गुस्सा बहुत आता है तुम्हें, तुम भी गरम हम भी गरम, मुझे तो लग रहा शादी के बाद हम में खूब लट चलेंगे। भाभी तो नाराज है गई। राजा भैया कछु कह तो देओ। सुनो, 7 तारीख को मुहूर्त निकलो है, अब प्यार से मानो या जबरदस्ती से, होनो बोलो जो राजा चाहेगा। वो तो वक्त ही बताएगा। छोरी बड़ी तेज है, बड़ी मुश्किल से समारे में आएगी। चले चल हमने कहा। जाए समझा यार गोपाल, देख जाने का हाल बना रखो अपनो। तू फिकर मत करे, राधिका तो ये प्यार करे, बस वो मजबूर है। कब तक मुझे झूठो दिलासा देगो, मुझे सब पता है, बाकी दिल में मेरे लिए कछु ना है। तू बात गलत समझ रहा हो किशन। बस कर गोपाल, बालक ना हूं मैं, वो मुझसे नफरत करे। जिते ही गलत फहमी है तो ना पतो, वो मजबूर है, मैं देख क्या रूं बाकी मजबूरी। तू केवो का चारो है राजा भैया। राधिका, किशन मुझे माफ कर दे राधिका, मैंने तो बस शक करो, मुझे आज पता लगा कि तू कितनी मजबूरी। तुम कहना क्या चाहते हो? गोपाल ने, गोपाल ने तुम्हारी और राजा ठाकुर की मुझे सारी बात बताया थी, अब तो डरने की जरूरत ना है। मैं राजा ठाकुर से नहीं डरती, बस मैं अपने पिताजी को दुख नहीं देना चाहती, और उनकी खुशी के लिए हंसते हंसते मुझे अपने प्यार की भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं कुर्बानी दे दूंगी। देखो किशन, तो कुर्बानी देवे की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी बेटी, मुझे खुशी है कि तेने किशन जैसे अच्छे इंसान ने चुनो। पिताजी। हाँ बेटी, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन माँ, राजा ठाकुर। वो तू मुँह पे छोड़ दे बेटी, मुझे पतो है कि कहा करनो है। छोड़ दो जाए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जाने हमारा सर सलम से झुका दियो। अरे बस करो, मत मारो, अरे जी मर जागो, अरे मर जागो, मत मारो, अरे मत मारो जाए जी, मर जागो जी, मर जान दो, जाको मर रहो अच्छो है। जाने एक छोरी की इज्जत पे हाथ डरो है।
मर जाए जे। अब ऐसी गलती कबू ना करेगो, जाए माफ कर दे। माफ? बलदेव की अदालत में माफी ना है, सिर्फ सजा मिले। कह दो यहाँ से, निकल जाए हमारी नजरों के सामने से, और शकल ना देखा है हमें आज के बाद। आज से जाको और हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म। राजा, 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 मत जा राजा, राजा। राजा। राधे राधे राजा ठाकुर, ऐसे का देख रहे हो? सबरा गुस्सा हम ही पे उतार देंगे तो बात के लिए का बचेगो? वैसे भी हम तो दोस्त हैं, मदद करवे आए राजा भैया। राजा कब ते भिखारियों से मदद लेवे लगो, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, कब तक राजा ही बने रहोगे? अब महाराजा बनने को टाइम आ गया है। पर महाराज से डर लगा तो है, तो अलग बात है। राजा काऊ ते ना डरे, समझो, वो तो भैया हमारे, चाप जाते बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगर कोई मेरे और राधिका के बीच में और आता ना, तो सारे भाई काट के रख दे। तो वो छोड़ी तो तुम्हें ही मिलेगी, जो महेंद्र सिंह को वादा है। पर जाके ले तुम्हें हाथ मिलाना पड़ेगा। बलदेव की अदालत में माफी ना है, सिर्फ सजा मिले। का सोच रहे हो राजा भैया, कछु पाए गेले कछु खोनो पड़ दो। ठाकुर बलदेव सिंह, मुझे आज भी वो दिन याद है। ठाकुर बलदेव सिंह जिंदाबाद, 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 ठाकुर बलदेव सिंह जिंदाबाद। कार्रवाई शुरू करी जाए। नमस्कार ठाकुर साहब, आज के केस में एक लंग तो गांव की अनाज छोरी जमुना है, जो फरियादी बन के आपके सामने खड़ी हुई है, और दूसरी लंग जाई गांव के पूर्व प्रधान ठाकुर महेंद्र सिंह को छोरा जय बीरा, जो आरोपी के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। जमुना को आरोप है कि बीरा ने बाके संग बलात्कार करवाया। तो मैं कछु अपनी सफाई में कहना है बीरा, इंसान को जा हद तक नागिरना चाहिए कि बाकी जुबानी बा को साथ छोड़ दे। पंचो जा, मैं आपकी का राय है? हमारी तो ये राय है ठाकुर साहब के जमुना और बीरा का विवाह करा दिया जाए। जब बेचारे जमुना का जीवन तो बर्बाद होने से बच जाएगो। नाना जेना है सके, मैं मान रहा हूँ कि बीरा ते गलती भई है, लेकिन यह को मतलब जेना है कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। जाको रास्ता और है। बताइए ठाकुर साहब कौन सा रास्ता है? मैं मुआवजे में जमुना को 1,00,000 रुपया दे सकूं, जो जाए अनाथ के लिए बहुत बड़ी रकम है। जमुना पैसा ले ले और जे केस यही रफा दफा कर दे। ठाकुर साहब पंचन की राय और ठाकुर महेंद्र सिंह की राय आपके सामने है, अब अंतिम निर्णय तो आप ही को लेना है।
हमारी नजर में तो ये दोनों रास्ते ही गलत हैं। काऊ औरत की इज्जत है, रुपयों से तोलवो, इंसाफ ना है। अगर ऐसा होता तो हर अमीर आदमी गरीब औरत पे अत्याचार कर सकते, और ना ही ये इंसाफ है कि इसका विवाह एक बलात्कारी से करा दियो जाए। हमारी नज़र में तो बीरा को जुर्म बहुत बड़ो है और बाकी सजाऊ बहुत भयानक होनी चाहिए। पर फिर भी अगर जमुना को मंजूर है रुपया ले वो और जाके साथ शादी करके खुश रह सके तो हमें कोई एतराज ना है। जमुना तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मुझे इंसाफ चाहिए ठाकुर साहब, इंसाफ। जहाँ तेरे जान को बदलो जान होवे, माल को बदलो माल होवे, वही तरह इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। चिंता मत करो जमुना, तुम्हें इंसाफ पूरा मिलेगा। तुम बताओ क्या चाहती हो? जहाँ तेरे जाने मेरी इज्जत तार तार करोगे, वही तरह मैं भी जाके इज्जत तार तार करूंगी, ताकि हर वो इंसान जो औरत खिलौना समझते है बाई सबक मिले कि जब को औरत की इज्जत जावे तो बाई कैसो लगे है। चिंता मत करो जमुना, तुम्हें इंसाफ पूरा मिलेगा। लो उठाओ जूती और छीन लो अपना इंसाफ। जे का है रोए, एक दलित और मामूली छोरी की इतनी हिम्मत कि हमारे छोरा की बेइज्जती करेगी? देख जमुना, तो अगर और पैसा चाहिए तो मैं तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 दे सकूं, पर जे केस यही रफा दफा करते है, वरना ठाकुर बलदेव की अदालत तुम्हारी सलाह की मोहताज ना है। शांत रहो। जमुना को इंसाफ मिल गया और बीरा को उसकी सजा। और जगाम में ऐसा कोई मर्द है जो जमुना को हाथ थाम सके? नमस्कार ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, मुझे न पतो कि जमुना मेरे बारे में क्या सोचे, पर जो मेल ले बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि मुझे जमुना ऐसी पत्नी मिले। अगर जमुना मुझसे शादी करने को तैयार है तो मैं आपको साक्षी मानकर और सभी गांव वालों के सामने ये कसम खाता हूँ कि जमुना की आंखों में आंसू तक ना आने दूंगा। बहुत अच्छी बात है जमुना, का तुम्हें जे रिश्तों मंजूर है? ठाकुर साहब, जमुना जी रिश्तों मंजूर है। तो ठीक है, जमुना आज से अनाथ ना है और आज से जी हमारी बहन है, और हम खुद जाको कन्यादान करेंगे और जाकी शादी में जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। ठाकुर बलदेव, जे तुमने ठीक ना करो, मत भूलो कि तुम्हारो भी एक भाई है
अगर बाने ऐसा कछु कर दो तब तुम क्या करोगे? हमारा भाई कितना भी बुरा सही, पर बाने आज तक का औरत ने बदतमीजी ना करी, और बाने कभी ऐसा करो तो हम बा जाई गांव के चौराहे पे गोली मार देंगे। तू चिंता मत कर वीरा, तेरे शरीर पे आई एक एक खरोच को बदलो बबलदेव है, कई कई जख्म देके चुकानो पड़ेगा। कोई जरूरत ना वो झूठो जलासा देवेगी। अगर आपे में इतनी फिक्र होती तो भरी पंचायत में मेरी बेटी को तमाशा नहीं देखते रहते। जाए तू अपनी बेइज्जती समझ रहा है वीरा, वो तेरी बेइज्जती ना है, वो मेरी बेइज्जती है। पर का करूं, बासों में मेरे हाथ बंधे भाई, जा बजते मोए वो अपमान को घूट पीना पड़ो, पर बलदेव को जा की कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कछु नहीं करेंगे, जो करना है मैं खुद करूंगा, मार डारूंगा वो बलदेव है। वीरा वीरा होस्ते काम ले, अब भाई मामला गरम है, चोट तो हमें करनी है लेकिन सही समय पर। बेइज्जती मेरी भैया मेरी, और बा को बदलो मैं खुद लूंगो और आज ही लूंगो। अच्छा तेरी जिद बता रही है कि तुम्हें तो अपने बाप की बात पर विश्वास ना है, अगर ऐसा है तो जा, मैं तुम्हें तो ना रोक रहा, लेकिन याद रखियो वीरा तोते ज्यादा आग मेरे सीना में लगी है, सारे काम के सामने बाने मेरे स्वाभिमान को ललकार रहा है, और भाई गांव के चौराहे पे बलदेव के सर को अपने जूतन से कुचल लूंगा, बाके बाद मेरे प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। लेकिन वो पे ज्यादा दिन इंतजार नहीं है पावे हो, कछु सोचो। जा गांव पे हमारे बाप दादा ने बरसों हुकूमत करी है, और गांव के हर इंसान है जूते की नोक पे रखो है, लेकिन जब से जा बलदेव के हाथ में हुकूमत आई है बाने ऊंच नीच को फर्क ही मिटा दो। सबसे पहले हमें बलदेव को गांव वालन की नजरों में गिराना पड़ेगा। जे इतना आसान ना है पिताजी, गांव बारे भाई अपना मसीहा समझे। वीरा राजनीति बहुत बड़ी चीज है, हमें बलदेव की कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, बाकी बाद रास्ते खुद ब खुद निकल आएंगे। आज मुझे तेरी कमजोरी मिल गई है बलदेव, अब तेरो खेल खत्म। तेरी हिम्मत कैसे भैया घर में पाम रखेगी? निकल जा यहां से। आपने मुंह पे हाथ उठा के अच्छो ना करो, शादी तो मैं राधिका से करूंगा, तुम्हारे सामने या तुम्हारे बाद। राजा तू इतने सालन से तुम जाकर मैं अपनी हीरोगिरी दिखा रहा है और मुझे विलन बना दियो, पर जा घर का हीरो और विलन दोनों मैं ही।
नहीं नहीं ऐसा ना हो सके। छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ मत करिए। रजनी, तो तुम बलदेव से राजा की शिकायत करेगो और राजा रोक लेगो। राजा एक तूफान को नाम है और जब तूफान आता है तो तबाही मचा देतो है। काय करी छोरी, बोल। राधिका तुम्हें ना मिलेगी, वो अपने किशन के साथ चली गई। ठीक है। नहीं नहीं छोटे ठाकुर, नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। जी तो चाह रहा है कि सारी गोली तो मैं ठोक दूँ, पर अब सोच जी कि अगर तू मर जाएगा तो कन्यादान कौन करेगा। चल शादी होवे तक जिंदा रह ले, सोच जब मैं अपने भाई मार सकता हूं तो वह किशन को कहाल करूंगा। अगर वो पाताल में भी छुपा होगा ना तो मैं बाय भांति भी ढूंढ निकालूंगा और बाय ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि बाय अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। मास्टर अफसोस। चलो रे। आप ठीक हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? राजा ठाकुर, तुम यहाँ कैसे? अभी पता चल जाएगा। छोड़ो 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 मुझे। राजा ठाकुर, ये क्या बदतमीजी है? जाको भैया मेरी राधिका उठा के ले गए हो, अगर वो शाम तक वाले के ना आयो तो जाके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते में खवा दूंगा। चल ठहरो, मेरी बिंदिया को ले जाने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। अरे यार जा, मार भी के लिए घूम रहे हो तो मिलना है रो, जाको मरने को बड़ा शौक आ रहा। लारे जो पिक्चर के डाले मैं मस्त सुना, जब पिक्चर का हीरो और विलेन दोनों मैं ही। या खुदा चाचा जी, चल चल, या खुदा, नहीं नहीं, मेरे होते हुए हम छोड़ तुम इसे नहीं ले जा सकते, छोड़ दो मेरी विद्या को, खुदा के लिए छोड़ दो। लग रहा ये पूरा ही मरेगा। चल विद्या, ये खुदा मेरे किशन और विद्या की हिफाजत फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। किशन, मेरी होने वाली घरवाली लेके भाग गए, कहाँ गए मुझे ना पता, पर इतना पता है मुझे वो चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अरे राजा भैया, इनकी काजर होते काम तो तुम्हारा वैसे ही आ जाता, पर अब दे दिए तो धर लेता हूं। और अगर ना ढूंढ पायो तो जबरदी के साथ साथ तेरी खाला उतार लूं। राजा भैया, बा कमीने को गुस्सा मुंह पे चो उतार रहे, मार लो तो वैसे ही जूता उतार के मार लो, पर शक मत करो। चल ठीक है, पर अगर है सके तो बात जिंदा ढूंढ के लाइयो। ठीक है ठीक है,
वह मैं आखिरी गोली मैं मारूंगा। ठीक है तो मार लीजिए। ठीक है चलो रे। चलो रे। दरोगा साहब, दरोगा साहब, आपके लिए एक खबर लाया हूँ। क्या? मुझे पतो है किशन और राधिका कहाँ है। कहाँ है किशन? मैंने भाई महल की छतरी के पास देखो है। तो झूठ तो ना बोलो साहब। मेरी इतनी मजाल कहाँ है जो मैं आपसे झूठ बोलूंगा। कबो कबो बिना मेहनत के फल मिल जावे। चलो रे साहब, और कारतूसन ने ले लूं। अरे कारतूसन ने कहाँ भरेगा जब तुम्हारी बंदूक ही काम ना करे। अगर वह ने हमला कर दिया तो? अबे डर चो रहो है, वो कोई शेर थोड़ी है, बाकेले तो अकेलो रागा भी काफी है। चलो आज के बाद जा गांव में, तू काऊ को परेशान ना करेगा। तो क्या लग रहा हो, तू राघव के आतंक से बच के भाग जाएगा? बहुत बड़ा कमीना हूं मैं, तो पाताल में तो ढूंढ के निकाल लेता मुझे पता ही। जब मोहन तो मेरे बारे में बताएगा तो तू भगो चलो आवेगो। चाह को मतलब? यहां तू खुद ना आया, मैंने तो बुलाया। बड़े हैरत की बात है, बकरा खुद का सही ढूंढ रहा। चलो रे पकड़ लो सारे। Ah!
मार और मार वो मैं जाई के लाको मैंने बार राजा की बात चुमानी वो तो तेरे बारे में सोचना चाहिए हो अब जो है को सो है को अब हम दोनों मिलके पराजा मारेंगे मैं बार राजा को कोई नौकर तो रही हूँ मैं तो तेरी तरफ हूँ अब मैं देखूंगा पूरा राजा तेरे का बेकार है को न राजा मेरे कछु खड़ पाएगो न तू जा गांव वाले इनको कछु खड़ पाएगो जे 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 क्या कर रहा कानून अपने आदमी क्यों ले रहा है वर्दी उतार वर्दी चो उतार वर्दी क्योंकि तू जा वर्दी में मार के जब वर्दी को अपमान न कर जाऊं उतार वर्दी किशन ये गलती तो भगवान माफ कर दे किशन लेकिन मैं भगवान ना हूं ऐसा मत करो छोटे ठाकुर मोई जाने दो तेरा भैया मेरी राधिका लेके भाग गया फिर मैं क्या करता मैं तो ये उठा लाया अब देख कैसा बहरा हुआ है माने अपनी औकात से बढ़ के हरकत करी है भाई ऐसी मौत मारूंगा कि जा गांव के छोरा सारा प्यार भाई का चक्कर ही भूल जाएंगे ऐसा मत करो छोटे ठाकुर मेरे साथ ऐसा मत करो तू क्यों घबरा जी तेरे लिए जे बीरा है तो सही शुक्रिया राजा भैया तुमने तो मेरे मौके बात छीन ली जी हर वक्त तैयार है वे अब मेरा मौका देख रहे हो जाओ पकड़ लो सारे Ah!
बिंदिया, बिंदिया, तू ठीक तो है ना? हाँ भैया। तू फिकर मत कर, मैं आ गया ना? हाँ भैया। जा, तू घर जा। सराफत से बता दे राधिका कहाँ है। मुंह पे हाथ उठा बेको। आप जिंदा है? आप जिंदा देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। पर आप जिंदा बच कैसे गए? आप मुझे मारोगे? आपने भैया है ना? ना मुझे पता है, आप मुंह पे गोली ना चलाएंगे। अरे आपने अपनी सारी जिंदगी हीरो की तरह गुजारी है, अब आखिरी टाइम पे विलन शो बनना है। हाँ? और वैसे भी जा पिक्चर को हीरो और विलेन दोनों में यू। ठाकुर बलदेव सिंह जिंदाबाद। ठाकुर बलदेव सिंह और बाने कभी ऐसा करो।
तो हम बा जाई गांव के चौराहे पे गोली मार देंगे। ठाकुर बलदेव सिंह जिंदाबाद, ठाकुर बलदेव सिंह जिंदाबाद, ठाकुर बलदेव सिंह जिंदाबाद। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। किशन में राधिका, मैं हूँ तेरी और तू मेरा। तू है किशन में राधिका, मैं हूँ तेरी और तू मेरा। कितने दिनन में हम तुम मिले हैं, मिलके न होंगे अब जुदा। तू है किशन में राधिका, मैं हूँ तेरी और तू मेरा। की धुन पे